के दर्शन करते हैं, लेकिन बहुत कम जगह ऐसा होता है कि जबलपुर जैसा दरबार कहीं देखने को मिलता है। सुधांशु जी की मेहनत, हमारे भाई हैं, छोटा कहूं या बड़ा, जहां बड़ा मुझे बनने की जरूरत होगी मैं बन जाऊंगा, यहां मुझे छोटा बन के काम करने की वहां छोटा बन जाऊंगा। यही संस्कार है कि मैं कितनी देर गाऊंगा, जितनी देर कोई मना नहीं करता तब तक गाता रहता हूं मैं। मेरे पास क्योंकि भजनों की कोई कमी नहीं, शब्दों की कोई कमी नहीं, आपके प्यार की कोई कमी नहीं, प्रभु के आशीर्वाद की कोई कमी नहीं। मैं इस दुनिया में सबसे बड़ा अमीर हूं क्योंकि मेरे पास मेरे राम की ताकत है साहब, इसलिए मैं सबसे अमीर हूं, इस दुनिया में और कुछ नहीं। तो आइए एक बार प्रेम से कहिएगा जय श्री राम, जय जय सिया राम। बोलिए नर्मदे मैया की, मेरा
के राज में। कोई कहे कि आप क्यों नाम लेते हो धर्म के मंच से, मैं आपसे वादा करता हूं अगर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का फैसला लेकर आते तो हम उनका भी नाम ले लेते साथ, लेकिन जिसने किया है उसका धन्यवाद करना पड़ेगा। इतने बेशुक्रे मत बनो कि जो किए जा रहा है और हम धन्यवाद भी नहीं कर सकते। एक बार जोर से नारा लगे जय श्री राम का, एक बार और जय श्री राम का। घर भी हिंदू हो नहीं, हम तो पढ़िए हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो यादव हैं, हम तो जाट हैं, हम तो बाल्मीक हैं, हम तो सूचित हैं, हम अनुसूचित हैं। हिंदू बनना सीखो, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाकी का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जातियों का क्या करोगे। इसलिए गाना पड़ेगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जबलपुर वालों जरा हाथों को उठाई और लहराते हुए डॉक्टर सुधांशु गुप्ता मित्र मंडल के लिए जोर से। Thank you.